राम मंदिर में हर दिन 1 लाख श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी। राम मंदिर निर्माण के साथ उसे अंतिम स्पर्श दिए जाने की भी तैयारी शुरू होने लगी है। सोमवार को राम जन्मभूमि परिसर में ही समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन आगामी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति के मुताबिक प्रतिदिन रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के आसपास होगी। हमें अपनी सारी तैयारियां इसको ध्यान में रखकर करनी होगी। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था प्रदान करने के प्रति मंदिर निर्माण समिति पूरी गंभीरता बरत रही है। इसके लिए नवनिर्मित मंदिर की ध्वनि प्रसारण योजना, मार्ग और स्थान संकेतक व्यवस्था, सीसी कैमरा लगाए जाने की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, राम मंदिर के मुख्य शिल्पी आशीष सोमपुरा सहित कार्यदायी संस्था L&T एवं टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इससे पूर्व मंदिर निर्माण समिति एवं ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने निर्माण का घंटों तक पूरी बारीकी से स्थलीय निरीक्षण किया। मंगलवार को बैठक के दूसरे दिन रामलला की मूर्ति निर्माण से जुड़ा निर्णय प्रतीक्षित होगा। अगले वर्ष के प्रथम महीने तक मंदिर के नव निर्मित भूतल में रामलला की स्थापना प्रस्तावित है। ऐसे में रामलला की मूर्ति निर्मित किए जाने को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी इस दिशा में गत 6 माह से प्रयासरत है, किंतु यह निर्णय नहीं हो पा रहा है कि रामलला के अनुपम सौंदर्य और गरिमा के अनुरूप जीवंत मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी किस कलाकार को दी जाए। हालांकि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए देश के कई शीर्ष कलाकारों के नाम पर विचार किया जा रहा है। यह निर्णय भी महीनों से प्रतीक्षित है कि रामलला की मूर्ति किस पत्थर से बनाई जाए।